आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं तो क्रिकेटर हूँ। लगता गलत कमरे में आ गए, चलते हैं। अरे रुक, मैं ही डॉक्टर हूँ। हमें लगा हम क्रिकेट ग्राउंड पे आ गए। क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, तकलीफ तो बहुत बड़ी है, अभी तक कोई डॉक्टर सही नहीं कर पाया। देखो, तुम सही जगह आए हो, यहाँ सबका इलाज होता है। तो क्या आप मेरा इलाज कर देंगे? हाँ बिल्कुल, पक्के से? अरे हाँ भाई, पक्के से। तकलीफ क्या, वो तो बताओ। डॉक्टर साहब, दिमाग में उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, रुकते ही नहीं है। कैसे विचार? जैसे अभी अंदर आते समय मैंने देखा कि आपके ओपीडी में कोई पेशेंट नहीं था, तो मैं सोचने लगा कि डॉक्टर साहब तो पेशेंट नहीं है। पेशेंट नहीं तो मेरी कमाई कैसे होती होगी? कमाई कैसे होती है तो उन्हें घर कैसे चलता होगा? अब आपके बाप ने पेट काट काट कर आपको इतना बड़ा डॉक्टर बनाया, आगे पढ़ाई पे इतने पैसे खर्च किए, अब क्या होगा? अब इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने में पैसे लगाए होंगे, लोन कैसे चुकाओगे? फिर डिप्रेशन में आके किसानी माफी लटक तो नहीं जाओगे? फिर सोचा कि आप तो डॉक्टर हैं, किसानी माफी लटकाऊंगी कि आपके पास तो मरने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाकू से हाथ भी काट सकते हैं, जहर का इंजेक्शन भी तो ले सकते हैं, और तो और आप स्लीपिंग पिल लेके चैन की नींद सो सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, ऐसे ऐसे विचार आते हैं दिमाग में। मैंने तो पहले ही बोला था कि मेरा इलाज कोई नहीं कर सकता।